एक और बड़ी जानकारी, गाजा पट्टी के लिए दरअसल हर गुजरता पल मौत और तबाही लेकर आ रहा है। इसराइल अब हर मिनट में एक बम जरूर गिराना चाहता है, जिसकी वजह से हमास में डर बहुत ज्यादा है। लेकिन गाजा में 8000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इसराइल ने अपनी रणनीति बदल ली है। उसे अब एक ऐसा बम मिल गया है जिसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के कमांडर होंगे। एक मिनट में एक बम की थ्योरी पर काम कर रही इजरायली आर्मी गाजा बारूद का बक्सा बन गया है। पूरे गाजा को जमींदोज करने के लिए इजरायल की सेना हर मिनट एक बम के हिसाब से दाग रही है। गाजा पट्टी में लहराते इजरायल के झंडे को देखिए और गाजा की तबाही का अंदाजा लगाइए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के खात्मे का युद्ध अब दूसरे चरण में पहुंच गया है, मतलब हमला और जोरदार और भीषण होगा। इस वक्त इसराइल बम बरसाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जलते गाजा की सबसे ताजा तस्वीरें देखनी जरूरी है। चौबीस घंटे में इसराइल की सेना ने हमास के 450 ठिकानों को टारगेट किया है, हमास के कमांड सेंटर पर बम बरसाए, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ाया और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोस्ट को नष्ट कर दिया। इसराइल की ओर से कहा गया है कि वो आतंकवादियों के लोकेशन ट्रेस कर उन पर हमले कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने उत्तरी गाजा को युद्ध का मैदान घोषित कर दिया है। आईडीएफ ने जमीनी कार्रवाई करते हुए हमास के आतंकी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। ताबूत में तब्दील होती इमारतें, जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास आतंकियों के उड़ते चीथों से पूरी गाजा पट्टी कांप रही है। हमले की तेजी देखिए कि महज एक घंटे में इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि इजरायल इस वक्त कितना आक्रामक है। उत्तरी गाजा में इजरायल की जमीनी लोकेशन को समझिए। मिसाइल के जरिए तो हमले किए गए, लेकिन अब इसराइल की सेना कोशिश कर रही है कि गाजा की सरजमी पर उतरे और वहां पर जाकर हमले करे। इसके लिए गाजा पट्टी में दाखिल होने का काम इसराइल की सेना करती है। अब सिलसिलेवार तरीके से मैप के जरिए आपको समझाते हैं, ये गाजा पट्टी और गाजा पट्टी का उत्तरी गाजा का इलाका। 26 और 28 अक्टूबर को इजरायली सेना गाजा में घुसती है, उत्तरी गाजा के इलाके में घुसती है और सबसे पहला हमला वो बेट हनून में करती है। और अभी भी यहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, यहां पर भी इजरायल की सेना मौजूद है, उसके टैंक मौजूद है, लगातार यहां हमले किए जा रहे हैं क्योंकि यहां हमास के लड़ाकों का सबसे बड़ा ठिकाना। उसके नीचे आप आ जाइए जबालिया में। जबालिया में इस वक्त ताजा हमला किया गया, जो हाल में हमले किए गए कुछ घंटों पहले वो जबालिया में किए गए। जबालिया इसलिए अब सबसे मुश्किल हालात इसलिए हैं क्योंकि यहां शरणार्थी शिविर भी बने हुए हैं, यहां तमाम वो लोग रह रहे हैं जो शरणार्थी शिविर में बने हुए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं रिमाल, जबालिया के नीचे वाला इलाका, यहां पर आप देखिए कि यहां पर भी हमले किए गए। अल जदीदा, यहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसी के साथ में गाजा सिटी को भी निशाने पर लिया गया है इजराइल की सेना की ओर से। और नीचे आता है जोहोर अद दिक, यहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। जमीनी हमले का सबसे बड़ा मकसद यह है कि सुरंगों तक पहुंचा जाए जहां पर हमास के कमांडर्स अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीन पर आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तरबंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से उत्तरी गाजा के नागरिकों को गाजा के दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट करने को कहा गया है। गाजा पट्टी की इंच इंच की जमीन पर बमबारी हो रही है, लेकिन इस बीच हमास और हिजबुल्ला भी नहीं रुक रहे हैं। इसराइल को उत्तर में हमास के कमांडरों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दक्षिण से हिजबुल्ला हमले तेज कर रहा है। इसराइल इस वक्त टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है और इस परिस्थिति में इसराइल लगातार हमले तेज कर रहा है ताकि एक मोर्चे को तबाह करके दूसरे मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा जा सके। बेअज़ा अनाख्तो मितकदमें बिशलवे मिलखमा
הלילה כוחות צהל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חיר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याया सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखलाए हुए हैं। ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का नया ऐलान सुनिए। İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz.